यार भाई से दाना लेना था, दाना ले लिया और हमारा जो है मेल आ चुका है भाई। ये देखें इनमें है, ये जिसके पर उतरे हुए ये फीमेल है दोस्तों, और दूसरे वाला मेल है। तो अभी घर चलते हैं, मेल लेके, हाँ मेल लेके आते हैं। चलो तो अभी तो यार हमारा सारा का सारा दोस्तों सेटअप बंद हुआ पड़ा, अभी सारा को खोलेंगे और रैबिट्स के बच्चे देखे बाहर धूप सेक रहे हैं, दोनों रैबिट्स के बच्चे बाहर निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब? ठीक है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी सांस ले लो फिर बाद में बात। तो यार हमारा एक नुकसान हो गया, मुझे लग नहीं रहा था कि ये होना चाहिए, लेकिन वो हो गया जो सोच में भी नहीं था। ये मुर्गी आप लोगों को याद है हमने इनको इकट्ठे रखा हुआ था तीनों को, इस मुर्गी को भी, काली वाली को और इन दोनों को, लेकिन इस मुर्गी ने तबाही मचा दी है यार। हमने भी आके देखा, इसने काली मुर्गी को इतनी शदीद किस्म से वो किया हुआ है ज़ख्मी, और इसकी जो गर्दन है ना भाई, खाल उतार के अंदर की जो हड्डी बस वो नज़र आ रही है। मैं आप लोगों को दिखा तो नहीं सकता यार, लेकिन उसके अभी ट्रीटमेंट अभी करते हैं वरना तो ज़्यादा मसला हो जाएगा। बड़ी जाली मुर्गी है यार ये, इसको मैं कह रहा हूँ अभी इसको सेटअप से हटाना चाहिए हमें। किधर गई दिखाते हैं, ये देखें दोस्तों कहाँ है, ये देखें यार इसकी सारी गर्दन जो है ना वो मैं दिखा नहीं रहा है आपको। अभी क्या करता हूँ मैं, जल्दी जल्दी पायोडीन और रोई लेके आता हूँ, इसकी गर्दन पर लगाता हूँ। तो यार ये पायोडीन मिली है थोड़ी सी और ये रोई है, तो चलें इसको ट्रीटमेंट करते हैं। वो आ गई दोस्तों, इसकी ना मैंने गर्दन के ऊपर जो है ना ये रोई वगैरह पायोडीन लगा के ना जो है ना थोड़ा सा हल्का सा धागा जो है ना मैंने ऊपर रख दिया, ताकि मैं कमरे में से भी लोग बना के आया था, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा दोस्तों धागा रख दिया ताकि जो ना वो रुई उसके ऊपर से ना हटे, वरना मट्टी डस्ट उसके सर पे लगेगी तो उसको तकलीफ होगी काफ़ी। तो इसलिए यार अभी इसको मैंने कर दिया खुला हुआ है, और इस चावल मुर्गी को मैंने बंद किया हुआ है। क्या हुआ, किसने दिया? वो यार ये तो सबराइट का मुर्गा लग रहा है ना यार। बाकी बड़ा ही दुख हो रहा है इस मुर्गी का, अल्लाह करके दुआ कीजिएगा दोस्तों ठीक हो जाए। काफ़ी गहरा जख्म है इसका, तकरीबन इसको तो दोस्तों ठीक होने में महीना लग जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अभी इसका जख्म खुश्क होगा, उसके बाद वो ऊपर की जो आती है वो हटेगी फिर ठीक होगा। बाकी इसकी हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट डोज करते रहेंगे ताकि ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। तो अभी तो फ़िलहाल शुक्र है अल्लाह का ठीक है, खारी पी रही है। बाकी मुझे तो जीत सा लग रहा है यार जब मैं इसकी ट्रीटमेंट कर रहा था। तो अभी क्या करते हैं भाई, ये सबराइट का है, सबराइट का अंडा भी है। हाँ जी ये सबराइट का है भाई, फाइनली दोस्तों मुझे लग रहा है सबराइट, क्योंकि यार सबराइट का अभी लंबा ही होता था और पतला ब्रीक छोटा सा होता था। अब इसका यार इनक्यूबेटर में रखे, इसको क्या करें, इसके तो बच्चे निकलने वाले हैं हमारे इनक्यूबेटर में से। आप लोगों को सच्चा एक बात बताता चलूँ, कुछ दिन पहले दोस्तों पूरे पाकिस्तान में लाइट गई हुई थी, तकरीबन सुबह 7 बजे गई थी और रात को 11 बजे आई थी। कौन निकलाया? ओ यार अभी ये उतार दी यार इसने, मुर्गे को साइड पर करो यार, ये मुर्गे को भी बंद कर दो इसको। तो पूरा दिन दोस्तों लाइट गई हुई थी पाकिस्तान में, तो हमारा इनक्यूबेटर जो था ना पूरा दिन बंद हुआ हुआ था, और उसका 37 टेम्परेचर जो था ना सीधा सीधा 16 पे आ गया था। और हमने जब अंडे चेक किए तो भाई ठंडे यक हुए पड़े, और उसके बाद हमने अंडों की कैंडलिंग भी की एक आधे अंडे की, तो हमें तो यार पता चल गया था बस अंडे हमारे गए। तो हमने कुछ देर इंतज़ार किया, एक दो दिन हम तो समझ रहे थे सारे अंडे ख़राब हो गए, लेकिन कल रात हमने फिर कैंडलिंग की तो 2 अंडों में जो है ना बच्चे निकलने वाले हैं, शुक्र है अल्लाह का। दोस्तों सिर्फ 2 अंडे ही चेक किए थे, अब हो सकता है बाकी में भी बच्चे अभी प्रोसेस बन रहा हो, तो दुआ कीजिएगा यार हमारे सारे अंडे जो है ना ठीक हो, मेहनत है भी ज़ाया ना हो जाए हमारी सारी। तो खैर इस अंडे का अब क्या करना है अभी, खैर वैसे ही रख देते हैं, आप लोग बताइएगा क्या करें इसका। तो इसका वही हाँ एक आइडिया है, कबूतरी के नीचे एक अंडा पड़ा हुआ है, ये ना रख दें यार, ये भी मसला। खैर इसको यहाँ रखते हैं, अभी क्या करते हैं दोस्तों लवबर्ड पकड़ते हैं और जाके चेंज करवा के आते हैं, भाई हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये दोस्तों सारे खोल रहे हैं, कल भी यार हमारी किसी मुर्गी ने अंडा दिया था वो इन्होंने, हो सकता है सबराइट ने दिया हो या फिर हमारी दोस्तों गोल्डन मुर्गी ने दिया हो, लेकिन वो इन्होंने तोड़ के खुद ही खा लिया था। चले आ रहे एक दोस्तों, खुशी की खबर ये है कि भाई हमारा तोता चेंज हो रहा है, और बैड न्यूज़ ये है हमारी मुर्गी का काफ़ी मसला बना हुआ। बाकी इंशाल्लाह यार दुआ है आप लोगों की हमारी भी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी वो। चले यार दोस्तों पकड़ते, 2 इसमें है 2 इसमें, उनको नहीं छेड़ेंगे हम, शायद उन्होंने अंडा दे दिया हो, वो नहीं अंडा अभी मुझे लगता दिए, इनको पकड़ लेते हैं अभी, अंडे भी हम फेंक देंगे ना वो अंडे फेंक देंगे, वो इसको पकड़ते हैं, मेल आ जाएगा ना न्यू करेंगे इंशाल्लाह, नए अंडे आएंगे ठीक हो गए।
है, हमारी फीमेल आ चुकी है, दोनों ने अंडे दिए हैं। जब अंडे भी इनके ना आके मैं देखूंगा कितने अंडे इनके, और फिर देखेंगे। तो चलें यार इसको लेके चलते हैं और मेल लेके आते हैं। चलो भाई दोस्तों, दोनों ही अंदर बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो भाई हमारा मेल आ गया है। ये वाली भी लोडेड है ना इमरान भाई, अंडों पे? अच्छा, हो रहा वो कोने वाला। दोस्तों तोता ये लोल भी आ रहा है आपकी मानत, देखो तो सही कैसा है। एक कल भी बम्बी जेब में रखते हुए चेक करो। वैसे तो देख के आया हूँ मैं, ये 100% मेल है। मेल है, चलो आओ फिर इसको आ जाओ छोड़ें अंदर ही बस। यार अभी इंशाल्लाह दोस्तों हमारे दोनों पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी 6 महीने बाद जाके। तो अब अलवी अब कित कब तक इनका ये लेट हमारी वजह से तो हुए नहीं, हमने उसके जिम्मे लगाया हुआ था। हाँ, उन्होंने कॉल कर दी सुबह के आ गया, ये भी मसला है। उन्होंने सुबह सुबह दोस्तों 10 बजे कॉल कर दी कि भाई तोता आ गया आके ले जाओ। हमने कहा भाई ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी यार इनको दाना भी डालना, बेचारा इंतजार करें, मैं दाने डाल के चला जाता है, इतने खा लेते हैं आप। चलो अंदर चलते हैं। हटो भाई हटो हटो हटो, साइड पे साइड पे साइड पे साइड। सेटअप का एक और बदमाश आ गया, और जो हमने दोस्तों दिए अल्लाह उसकी ज़िंदगी रखे। आ रहे हैं भी अभी, दुआई करनी चाहिए। तो चले भाई इसको, वो लड़ा, ओ भाई ये वाली फीमेल वहाँ पे चली गई और उनकी आपस में लज रहे। कौन सी फीमेल है भाई? ओए भाई पर उतार दिए एक दूसरे के, जल्दी से छोड़ देता हूँ, ये तो आपस में हो रहे हैं लज रहे। तो इसको छोड़ देते हैं। ओ भाई क्या हो रहा है? चलो दोस्तों इसको खोल देते हैं, जल्दी जल्दी जाओ भाई अंदर, नया मेहमान आ गया। चलो जाओ, हो गया। देखो भाई माशाल्लाह दोस्तों, अब पता कैसे लगेगा भाई इसका मेल ये था, इसका मेल वो था, जो भी था बस अंडे आने चाहिए अब। अब इसके अंडे देखता हूँ भाई कितने हो गए, मछली तो आर्क निकाल लूँ अंडे सारे। दोस्तों हमारे चेहरे की मोजे लग जाएंगे, इसको अंडे मिल जाएंगे खाने के। तो इसके अंडे, ओ भाई साहब क्या हो गया? ओ भाई 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 अंडों की भाई बारिश हुई थी अंदर। ये देखो कितने, ये देखो भाई, ओ भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 अंडे हैं। पिछली दफा 9 दिए थे, पिछली दफा 9 थे। हाँ भाई, इससे ये साबित होता है कि भाई अभी दे देना था उसने, और हमने निकाल दी पहले। हाँ वो अभी भी दोस्तों लोडेड थी, इसने अंडे दे देने थे दोबारा, क्यों उसने फायरिंग करनी थी। चेक तो करें अभी, है चेक कर। चलें दोस्तों ये अंडे हम जहरी को दे देते हैं। आ जाओ भाई जहरी, ये यहाँ पे होता है। चलो भाई खाओ अंडे। नहीं नहीं तोड़ के ना देना, इसे बाहर निकाल के दो अंदर कंधे चले गए। यार वो बाहर मुर्गी है ना। फिर क्या हाल किया हुआ रैबिट्स ने अपने केज का। माशाल्लाह दोस्तों हमारा जहरी देखो कितना, यहाँ पे दे दो उसको पूरे अंडे रख दो उसके आगे, ये खा लेगा। चलो भाई खाओ। वो इसकी आवाज मुर्गों वाली होगी भाई, मुर्गा ही लग रहा है ये मुझे। हाँ मुर्गा लग रहा है, नहीं खा रहा ये, इनको दे दो। भाई चलो नीचे उतर जाओ, चीर आ जाएगी। चलो जाओ जो सारे इंतजार में के यार हमें दे दो। ओ पूरे ही, ओ पूरे ही अंडा खा गई भाई। वो देखो मुंह से बलका था पानी निकला, देखना इस तक को देख ले लो। वो देखो वो पूरा ही खा गया, उसे तो पानी भी नहीं गिरा बाहर। वो ये लग तो फिर लग रहा है इंच लग रहा है, वो निकल गया। ये लो खत्म हो गए, खत्म हो गए भाई। तो यार हमारी मुर्गी दोस्तों पीछे ना मट्टी में खेल रही है, उसको खेलने देते हैं ताकि जो है ना यार उसके जख्म पे मट्टी ना लग जाए अभी। बाकी यार ये बताइएगा दोस्तों ये अंडा किसका है? मुझे तो सब्राइट का लग रहा है, बाकी बताइएगा ये सब्राइट का है या किस मुर्गी का? आपको क्या लगता है किस मुर्गी का? हाँ तो इसको रख देते हैं। आज यार हमें दोस्तों मुर्गियों का दाना नहीं मिला, मैं जो है यही वाला दाना लेके आना पड़ा, बाजरा। तो इसी से इनका गुजारा करवाते हैं। खैर बताइएगा दोस्तों मज़ा आया कि नहीं आया? आखिरी काम है इस मटकी को लगाना है यहाँ पे। की जो थी वो भी लग चुकी है, फीमेल आ गई उसी टाइम, और मेल मुझे लगता है ये वाला है जो हम लेके आए हैं शायद। तो इंशाल्लाह दोस्तों इनका कुछ दिन बाद आपस में पेड़ लग जाएगा और आ जाएंगे हमारे पास भाई अंडे।
बस कुछ दिन दोस्तों और है, उसके बाद हमारे ना खुशखबरी आने वाली सेटअप इंशाल्लाह, इनक्यूबेटर में से बच्चे भी निकल जाएंगे, कुमरों के भी बच्चे आ जाएंगे। और इस तोती के यार इस दफ़ा बच्चे लेट हो गए हैं, निकले नहीं है, मैंने भी देखा है, तो मुझे लगता है सर्दी की वजह से लेट हो गए हैं। तो कह रही थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद है, अगर पसंद है लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल वाला में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे मुर्गी के लिए दोस्तों दुआ लाजमी कीजिएगा यार, वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। तो काफ़ी अफसोस हो रहा है बेचारी, अंडे दे के जो है ना उसको मसला हो गया, तो मुझे उस मुर्गी पर बड़ा ही गुस्सा है। आप लोग बताएं उस मुर्गी का हम क्या करें। खैर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ एक और बात, हमारे सेकंड चैनल पे भी ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर भी रेगुलर ब्लॉग्स आ रहे हैं।